शहर में लोगों को पानी के लिए रास्ता जाम करना पड़ रहा है। केशव नगर, धोबीगट्टा, शिवाजी पार्क, खदाना मोहल्ला, चावड़पाड़ी, जत्ती की बगीची में आधी रात के बाद पानी भरने की मजबूरी है। दिन भर अपने काम पर पसीना बहाकर रात में पानी भरना पड़ रहा है। कुछ लोग पानी मोल खरीद रहे हैं, इसमें गरीब और मजदूर वर्ग के लोग भी अधिक संख्या है। उल्लेखनीय है कि जल स्तर गिरने, नल जल योजना की पाइपलाइन न होने व जलदाय विभाग में जिला प्रशासन की अनदेखी के चलते लोगों को पानी की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का पूरा समय या दिन हो या रात पानी भरने में गुजर रहा है और रातों को जागकर पानी भर रहे हैं। रात में पानी भर रहे व्यक्तियों ने बताया कि दिन में पानी भरने के लिए दूर तक जाने और लाइन लगाकर इंतजार करने का समय नहीं होता है। काम अपना और मजदूरी छोड़कर अपनी पानी भर सकते हैं, इसलिए रात में पानी भर रहे हैं। कोई साइकिल से तो कोई ठेले से या कोई अन्य साधन से पानी ढोता नजर आता है। महिलाएं मजदूरी पर जाती हैं, वे रात में पानी भरती हैं और बच्चे इसमें उनकी मदद करते हैं। पढ़ाई छोड़कर बच्चों को पानी के पीछे भागना पड़ता है। कौन सा इलाका है और पानी की लगातार यहाँ समस्या बनी रहती है? लगातार समस्या है, रात रात भर हो जाता है, पूरा पूरा दिन हो जाता है जी। अब दिन भर काम करें या पानी पे लगे रहें। हमने यहाँ पर देखा कि इस समय रात को भी लोग पानी भर रहे हैं, रात को दो दो बजे तक लोग पानी भरते हैं। रात हो जाती है। कब से है ये समस्या वार्ड में? ये काफी दिन से है। इस संबंध में कोई शिकायत या किसी तरीके से कुछ करना चाहो कि व्यवस्था ठीक हो? हाँ जी, करना चाहेंगे, क्यों नहीं करना चाहेंगे जी। जलदाय विभाग को कभी सूचना की हो, शिकायत की हो उनको? करिए ना, कई बार करिए, कोई सुनवाई नहीं होती। कोई सुनवाई नहीं हो रही अभी तक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत यादव। कहाँ से पानी भरने आया और कहाँ पर आया? नगर के यानी कि डूंगरी के उधर की तरफ से आया। कितना लंबा रास्ता है? यहाँ से कम डेढ़ किलोमीटर। डेढ़ किलोमीटर दूर। कैसे पानी का गुजारा हो रहा है? पानी नहीं आ रहा है? पानी आ ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। यानी पहले तो यानी कि एक दिन छोटे एक दिन आता था, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। कैसे करते हो? दिक्कत आ रही है। कैसे कैसे गुजारा? पानी आ रहा है, वो भी खारा पानी आ रहा है, उसको भी डलवाने से कोई फायदा नहीं। तो अब यहाँ पर इसे आकर और पहले तो काम पे जाते हैं, उसके बाद शाम को आने के बाद फिर पानी में रखते हैं। तो इस तरह से चलते हैं।